हमने देखा, हमने पाया, भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला को चेक करो। अगर कोई भी कर्म इंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार हो जाते, फिर चेंज करने में समय भी लगता है और मेहनत भी लगती। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाए। सिर्फ बार बार चेक करते रहो, ये रंग है, ये रंग है, ये ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी। सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए पहले हर कर्म इंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ रंग है, रंग है नहीं सोचो, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि समझ। अगर सिर्फ किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि। बाप दादा का याद प्यार स्वीकारो। ओम शांति। अव्यक्त सिग्नल्स। इन ऑर्डर टू पास इन द फाइनल टेस्ट। ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। आगे चलकर अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी,
उन परीक्षाओं में पास होने के लिए परखने की शक्ति चाहिए। अगर परख नहीं सकते हो कि ये किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने ये विघ्न आया है, तो उन परीक्षाओं में फेल हो जाएंगे। अगर परख अच्छी होगी तो पास हो सकते हैं। ओम शांति। Om Shanti, welcome to Vyakti Parivar. Today is day Shanti, Vyakti Parivar mein aapka swagat hai. Aaj 31 tarikh aakhri tarikh hai is month ki, is mahine ki. Aaj nayi series bhi chalu karenge. To aaj hum samapan aur anubhav, umang utsah, purti kala ka. तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कल से हम क्या करने वाले हैं। तो जून का मास शुरू हो रहा है कल से, तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. Om Shanti, सबको सब ठीक है, सब अच्छे हैं। इतना बड़ा ये व्यक्ति परिवार है, इतना बड़े परिवार है। आज यहाँ पर सामने कुछ परिवार के सदस्य बैठे हैं। तो मधुबन से अव्यक्तिशारी आए हैं कि कैसे हम परखने की शक्ति को बढ़ाएं। परखने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। कुछ भी निर्णय करने के पहले सही है गलत है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सही समय है, ये सारे संकल्प आते हैं। तो रोज अलग अलग पॉइंट हमें मिलेंगे और हम पॉइंट्स के बारे में हम चिंतन करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हमारी परखने की शक्ति एक्यूरेट है या नहीं। निर्णय जब हम करते हैं, मालूम है हमें कि ये ड्रामा है, बाबा हमें फिर भी देखते हैं और बाबा हमें कहते हैं, योग ज्ञान धारणा सब कुछ अच्छी तरह से रहे, जिससे कि परखने की शक्ति हमारी बढ़ती जाए, अच्छी रहे। बाबा हमारे टीचर हैं, बाबा हमको स्टूडेंट के रूप में देखते हैं, तो स्टूडेंट को तो पढ़ना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, एग्जाम पास करना होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही हमारे लिए, हम सबके लिए उपयोगी होगा। रोज सवेरे पत्र पुष्प जो आता है, व्यक्तिशारी जो आते हैं मधुबन से, उसको हम पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे रोज सवेरे। रोज हम हमेशा परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, इसके बारे में भी हम सोचते हैं। कुछ बहनों से कॉल जैसे आया मेरे पास कि ये
उमंगर उत्साह के महीने में कैसे क्या क्या उन्हें फायदे हुए, उन्होंने ये संकल्प किया कि मुझे उमंग उत्साह बनाए रखना है। तो मैंने यही कहा कि कभी कभी उनकी एनर्जी कम हो जाती थी, जब वो उसको पॉइंट को सोचते थे तो उससे फिर उनका उमंग उत्साह बढ़ जाता था, एनर्जी बढ़ जाती थी। एशिया की कोई बहन ने मुझे कॉल किया और कहा कि उसने बताया कि वो उमंग उत्साह में रही और पॉइंट यूज करी और वो पॉइंट्स बहुत उनको मदद करे। कभी कभी बहुत उमंग उत्साह नहीं रहता, थोड़ी उत्तेजना आ जाती है लेकिन उमंग उत्साह नहीं रहता। तो जब उमंग उत्साह होता है तो उससे हमारी अंदर की क्रिएटिविटी भी जागृत हो जाती है, रचनात्मक हमारी जो रचनात्मक गुण जो हमारे हैं वो उभर जाते हैं। और ये संगम युग का ही समय है जब हमें उमंग उत्साह में रहना है, उत्सव जैसे हमें मनाना है। उमंग उत्साह ही एक उत्सव है, जैसे हम ये कहते हैं कि बाबा के साथ हम मिलन मनाते हैं। तो एक तो होता है बस मिलन मनाना और एक होता है कि उमंग उत्साह से उसको वो मिलन मनाना। जैसे एक पिता पुत्र के साथ मिलता है, एक टीचर स्टूडेंट के साथ मिलता है, तो सतगुरु जो है उनसे हम मिलते हैं। तो हमें तो मालूम है कि ये संगम का समय बहुत छोटा सा युग है, छोटा सा समय है और अब ये अंत का समय चल रहा है संगम का। तो हम ये सिर्फ नहीं कह सकते कि मुझे बदलना है, लेकिन हमें अब इमर्ज करना है। और हमें क्या इमर्ज करना है? जो भी हम इमर्ज करेंगे, जो हमें इमर्ज करना है वो हम उसके बारे में बताएंगे, सोचेंगे। हमें अपने अंदर के गोल्डन एज जो संस्कार है, जो स्वभाव है, जो संबंध है, हमारी जो आदतें हैं, वो सब हम इमर्ज करेंगे। तो ये हम इस महीने करेंगे। तो जो अनुभव जो हमें महोत्सव के जो हमें अनुभव भेजे गए वो बहुत अच्छे अच्छे आए हमारे पास। हर महीने हम बहुत तो अनुभव हम सब हमें मिलते हैं और फिर हम तो मैं तो यही कहूँगी कि इसका महोत्सव का समापन करने के लिए यही मैं कहा कहना चाहूंगी। शांति। Every day, Baba's Baba ki murli हमारे सत्य की संस्कार को प्रत्यक्ष करती है। Heaven, स्वर्ग,
पहले हमारे अंदर बनता है, फिर अपने आसपास की दुनिया में प्रतिबिंब होता है। In this month of June, इस जून मास में, Baba's wisdom from the Murli, चलिए to consciously shape, बाबा की मुरली से हम अपने अंदर के गोल्डन एजेड संस्कारों को इमर्ज करेंगे गोल्डन एजेड दुनिया के लिए। आए हम सब मिलकर अपने ही अंदर अपने ही भीतर हम स्वर्ग बनाए। अपने अंदर अव्यक्ति परिवार इनवाइट्स यू टू टेक द फ्रेग्रेंस। अव्यक्ति परिवार आपको निमंत्रण देता है गोल्डन एज की सुगंध को अनुभव करें मोहिनी दीदी के साथ। अव्यक्ति विमान में बैठें।